चश्मे बताती है तो मेरे को कोई ये दिखाई नहीं देता। आप लोग सबको माता है, मैंने सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगी। आप लोगों ने यहाँ आके हमारे सबकी हौसला अफजाई की और फिर आपके साथ साथ सब खड़े हुए हमारे घर के भाई और बुजुर्ग, उन सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी जोरदार तरीके से यहाँ आके जो हमको प्यार दिया है, मैं तो समझती हूँ कि मैं जिंदगी भर भी काम करूँ आपके लिए तो उसका कर्ज नहीं होगा। इस सुराज संकल्प यात्रा का आखिरी दिन है तो मत में थोड़ा सा खट्टा भी थोड़ा सा मीठा भी, क्योंकि पिछले चार महीने 4 अप्रैल से लेके जनता के बीच में घूमने का बड़ा मजा आया, सब लोगों से मिलने का मजा आया, साधु संपाद के अंदर घूमने का और मिलने का मजा आया और आप लोग सबके संकट से वाकिफ होने का एक मौका मिला। मैं समझती हूँ कि जब तक जनता के बीच में कोई नहीं जाता तब तक जनता के मन में क्या है और जनता के दिल के अंदर क्या टीस है कोई समझ नहीं सकता, और इसलिए ये 4 महीने के अंदर मुझे वो मौका मिला जिस मौके में मैंने पूरा इस्तेमाल करते हुए आप लोग सब तक पहुंचने की कोशिश की। आज शाम को इसके बाद मेरी बस एक ही मीटिंग बाकी बचती है बांदीपुर की, और बांदीपुर के बाद सब घोड़ों के मुंह तबेले की ओर हो जाएंगे। सब लोगों ने 4 महीने की यात्रा करके राजस्थान की नस नस को पहचानने का काम किया है। राज में आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं देखती हूँ कि राजगढ़ के अंदर कोई ऐसी नई चीज हो जो मेरे को कहीं भी साथ संभाग के अंदर नहीं मिली हो, तो मैं बहुत उधर ऊपर नीचे किया कि शायद मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसके बारे में मैं आपसे बात कर सकूं। परंतु भाइयों मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके क्षेत्र के अंदर मुसीबत है, कोई बाड़मेर में है, कोई कोटा में है, कोई अजमेर में है, कोई भरतपुर में है, कोई बीकानेर में है और कोई उदयपुर और जयपुर के अंदर है, ये क्या विडम्बना है कि 40 साल तो क्या 60 साल निकल गए, अगर मेरे राज को आप 5 साल निकाल दीजिए, भैरव सिंह जी के 7 साल को निकाल दीजिए, तो 53 साल अपन लोगों ने लगातार कांग्रेस की सरकार को दिया है और पूरे राजस्थान को गड्ढे में डाल के रखने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 साल के अंदर करके दिया है। कोई भी बदलाव मेरे को देखने को नहीं मिला। सबसे पहले जो आपके यहाँ मेरे को मिला, पेयजल की घोर समस्या, सबने मेरे को यह कह दिया कि राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के अंदर बहुत जोरदार पेयजल की किल्लत है, क्या ये सही है? सही है। जहां मैं रुकी हूँ रस्ते पर जहां मैं रुकी हूँ, और मैं जानती हूँ कि यहाँ से मैं बांदीपुर जाते हुए जहां रुकूंगी वहां मेरे को माताएं बहने और आप लोग पकड़ पकड़ के यही कहोगे कि हमारी पानी की बहुत मुसीबत है, इसके बारे में कुछ करो। कोई कहता है कि क्लोराइड, कोई कहता है कि खारा पानी, कोई कहता है कि पानी नहीं, कोई कहता है कि टंकी है तो चूड़ा है, कोई कहता है कि टंकी के अंदर प्लास्टिक की पाइपलाइन लगी है। भाई ये बताओ मेरे को, कोई टंकी के अंदर प्लास्टिक की पाइपलाइन देता है, टंकी के अंदर प्लास्टिक की पाइपलाइन लगी है तो वो चूड़ा है, इसके यहाँ तक पानी नहीं पहुंच रहा। किसी ने ये कहा कि अभी अभी नई टंकी बनी है टूट गई, अब क्या कहे, किसको कहे कि 4.5 साल निकल गए और 4.5 साल ही नहीं 53 वर्ष निकल गए और उस 53 वर्ष के बाद आज भी हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंदर मैं देख रही हूँ कि आप जाकर हरसाना को बड़ी मुश्किल से तो पानी मिला है, बड़ी मुश्किल से आप हरसाना को पानी मिला है, और ये जहां जहां मैं गई हूँ कोई कहता है आधा बाल्टी पानी, कोई कहता है 1 बाल्टी पानी, और वो भी 2-2, 3-3 दिन बाद हमको मिलता है। ये सब लोगों की कहानी कि आप क्या अकेले की नहीं, किसी तरीके से मैंने यहाँ पता बिजली की पूछने वाले में आप लोग मुझे बताओ कि मैं जब यहाँ से गई माता बहने 2008 के अंदर पहली दफा राजस्थान के इतिहास में एक घरेलू बिजली की लाइन आपके लिए अलग से मैंने करने का इंतजाम किया और जाते टाइम में 18 घंटे 20 घंटे बिजली देके मैं गई, आप लोगों को देके मैं गई, परंतु आज आपकी हालत है देख लो,
मैंने पता किया तो लोग कहते हैं मुश्किल से 8 घंटे घरेलू बिजली मिलती है, और अगर आती भी है तो भगवान भरोसे है, कभी आती है कभी नहीं आती है, जोरदार फिटिंग चलता है। ये तो हमारी उस बिजली का हाल। और हमारे किसानों की बिजली जो मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में पढ़ा, 8 घंटे पर्याप्त और आसानी से बिजली मिलेगी, मिल रही है? ये बताओ जी, पीछे वाले बताओ, बिजली 4 घंटे मुश्किल से अगर आती है तो आती है, और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। मैं जब आती आपके बीच में तो मेरे सरकार के टाइम में आपका जो ट्रांसफार्मर अगर बिगड़ जाता था तो 72 घंटे के अंदर अगर वो नहीं आता था तो दंडित होता था। आज 72 दिन में नहीं आएगा, 72 दिन में नहीं आएगा, और आएगा जब 10,000 रुपए की रिश्वत आप लोगे तब तो मानेगा कोई, और आके आप लोगों को घर पे वो दे के जाएगा, नहीं तो बिना रिश्वत के कोई काम आपको होता ही नहीं। ये एक नई बात है कि VCR चालू हो गया है, एक VCR मैंने गांव गांव में जाके लोगों को परेशान करना, और अगर उसका बिल 2,000 का है तो उसको 20,000 का बिल दिखाना, अगर 20,000 का बिल है तो उसको 2,00,000 का बनाना, कहीं 4,00,000, कहीं 2,00,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000। मैंने सबको कह दिया है कि इसकी इंक्वायरी होगी, और अगर जब हमारी सरकार आएगी किसी ने अन्याय किया है तो उनको दंडित किया जाएगा। और जो पैसा नहीं होता जी, कहीं ना कहीं अगर जनता से नहीं डरोगे तो किससे डरोगे? आज तो मैं देख रही हूँ कि किसी का डर नहीं, जो मनमानी करो। अरे भरतपुर यहाँ से लगा हुआ क्षेत्र आपका, भरतपुर के अंदर भरतपुर के कलेक्टर ने 2 दिन पहले उठा के अच्छी तरह से झापड़ मार दिया किसी भी व्यवसायी को। क्यों? बस ऐसा कोई काम करता है कि कोई भी कलेक्टर आके किसी को भी थप्पड़ मार जाए, या कोई भी आपका तहसीलदार आके किसी को थप्पड़ मार जाए? ये क्या होता है, कलेक्टर जो होता है ये समझ में आती है लोगों को कि ये संजीदा आदमी है और ये बैठेगा और न्याय करेगा। ये नहीं कि जैसे 2 कौड़ी के बीच के सड़क पे आके एक दूसरे को छाता खाई करके 2 थप्पड़ मार के चल दे, ऐसा काम नहीं करता कोई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज ये लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं तो आगे चल के क्या होगा, किसको चिंता है जनता की? मैं अभी यहाँ देख रही तो आप लोगों के यहाँ राजगढ़ के अंदर 50 बेडेड अस्पताल है, बढ़िया सा अस्पताल है जिसके अंदर 16 डॉक्टर होने चाहिए, परंतु है आप कह रहे हो मेरे किताब में तो 5 लिखा है, आपके 16 डॉक्टर के स्थान पे और आपके 2 डॉक्टर लगे हैं। मेरे को बताओ भाइयों कि आप लोगों को मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच हो रही है? ये आपका कस्बा कितने आदमी का कस्बा है? स्त्री रोग की मैंने तो पूरे राजस्थान को छाट लिया, यहाँ तक आज 11 तारीख अगस्त हो गई है, मेरे को 8 दिन तक एक भी स्त्री रोग का डॉक्टर कहीं भी अस्पताल में नहीं मिला। मैं पता करना चाहता हूँ आपके यहाँ भी नहीं है भाई, कैसे हो सकता है? बता रही हूँ आपको, यार स्त्री रोग की नहीं है, सर्जरी का नहीं है, मेडिसिन का नहीं है, अस्थि का नहीं है, नेत्र विशेषज्ञ का नहीं है, यही लक्ष्मणगढ़ के अस्पताल में भी है, वहां तो दांतों का भी नहीं है, उसका भी पद खाली है, और यहाँ 8 साल की जगह में 2 डॉक्टर, रैली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 के ऊपर 1 डॉक्टर, और कहा फ्री दवाई और कहा फ्री जांच? जो आया उनमें सरकार के वही बोल देती है। सरकार कभी अपने उस एयर कंडीशन कमरे को छोड़ के जनता के बीच में आके देख गई कि वाकई में जनता के बीच में क्या हो रहा है? मैं यह पूछना चाहती हूँ आप लोगों को, किसी को अभी तक 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूँ मिला? मिल जाएगा भाइयों, मिल जाएगा, मिल जाएगा, रुक जाओ। आपको नहीं मिला ना किसी को अभी तक तो नहीं मिला। खैर थल में परसों के दिन अभी ये चला, हम लोगों ने हल्ला मचा दिया है कि आपने तो उधर जयपुर में कह दिया है कि 1 रुपए किलो के हिसाब से गरीब को आप दोगे, तो इतना करने के बाद उनको फिर भी 4 महीने लगे।
अब बड़ी मुश्किल से उनका पहला ट्रक के अंदर आया कल, और जब उसको अनलोड किया तो बदबूदार गेहूं जिसको जानवर ने खाए, ऐसे आदमियों के लिए अनलोड करने का काम वो कर रहे थे। मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था सरकार को कि आपके गोदामों के अंदर ये गेहूं भरा पड़ा है, ये सड़ जाएगा। इससे अच्छा तो ये है गरीबों को बांट दो तो किसी गरीब के घर के अंदर तो ये इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं भाई, ये तो हम नहीं कर सकते, हम तो इसको बचा के रखेंगे जब तक ये सड़ नहीं जाता है, और जब सड़ जाएगा तब हम बांटेंगे जनता के बीच में। और आज खेतल का ट्रक कल आया, बदबूदार गंदा फेंका वो गेहूं आपको लाके लाके डालने की कोशिश की, उसको जानवर के मुंह मारेगा, ऐसे को आप लोगों के बीच में बांटने का काम वो करना चाहते हैं। क्या लोग हैं ये, क्या लोग हैं? अब मैं किसान भाई, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आपको किसी भी व्यक्ति को ये पाले का और ओले का मुआवजा मिला? अच्छी सही बात बता दो भाई आप, मैं नहीं दुखी होंगी अगर आप कह दो कि मिल गया। मिला कि नहीं मिला? मेरे को क्यों आज एयरपोर्ट के अंदर हेडलाइन बन रहे हैं, अखबार के हेडलाइन बन रहे हैं कि किसानों को मुआवजा देने का काम सरकार ने किया। और कैसे किया? उन्होंने बिजली की दो किश्त को कम करने का काम घोषणा कर दी, उसके साथ साथ जितना पैसा देने की जरूरत थी उस पैसा का पैकेज बना के किसानों को दे दिया। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके टाइम भी जब हमारे यहाँ प्राकृतिक प्रकोप हुआ तो हम लोगों ने चला के पैकेज बना के दिया। हमने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े या किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाए कि हमारी स्टेट है, हमारा प्रदेश है, हमारी इज्जत है, हमारा स्वाभिमान, हमारी जनता है, और ये जनता का पैसा है, जनता का प्रदेश है, और इसीलिए सब तो आपका है। हम आपके पास नहीं देंगे तो किसको देंगे जी? कहां लेके जाएंगे? क्या आपने खजाने में भर के रखेंगे? खजाने में भर भी रखेंगे तो भी बात होती है, परंतु अगर मेरे जेब में जाने वाला है, अगर भ्रष्टाचारी हम लोग करने वाले हैं, जिस तरीके से पिछले 4 साल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, मैं तो समझती हूँ कि राजस्थान के अंदर आज दिन तक नहीं हुआ है, यहाँ तक कि कांग्रेस का दामाद चल के आया बीकानेर में, बीकानेर की 10,000 बीघा खाने सस्ती खरीदी, जो दर महंगी बेची, और वही काम फिर आपके अशोक गहलोत कंपनी और उनके साथ साथ जो मंत्री हैं भाईपू के अंदर उन्होंने किया, नाम लिया रिफाइनरी का, बेचा और खरीद किया भाईदू के अंदर, पचपदरा के अंदर, आपके बाप के अंदर, आपके फलोदी के अंदर, पूरा क्षेत्र बेच के खा गए। ये कभी नहीं हुआ है आज दिन तक राजस्थान के अंदर। और जब कोई कहता है तो पहले वकील मेरी तरफ करके कहते हैं, अरे वो देखो 22,000 करोड़ खा ली, ताकि आप मेरी तरफ देखो और वो अपना खंगाल दे रहे आराम से। कितने दिन से चल रहा है ये मामला, 4.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान का खजाना खाली करके रख दिया है, ये किया है कांग्रेस ने 53 साल के अंदर। आपने मेरे को दी थी सरकार तो उसको कहते थे बीमारू प्रदेश किया था आपने हम लोगों के हालत, हमने बीमारू प्रदेश को निकाल के अपने पैर पे खड़ा किया। पहली दफा आपका महानरेगा का काम हुआ, 26 लाख लोगों को नौकरियां दी, और पूरे देश के अंदर महानरेगा में नंबर एक का अगर कोई था तो वो था राजस्थान, और कभी भी किसी को कमी नहीं पड़ी, कभी भी आपको तनख्वाह लेट नहीं दी। आज तनख्वाह भी लेट मिलती है, मिलती भी नहीं है, और मैं समझती हूँ कि 1 लाख से कम लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। मैंने सबको कहा कि राजस्थान को आगे ले जाने का काम सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे अफसरों ने नहीं किया, मेरी पार्टी ने नहीं किया, परंतु वो 26 लाख लोगों ने जिन्होंने मेहनत करके पसीना बहा के परिसंपत्तियां खड़ी की, वो परिसंपत्तियों की वजह से हमारा राजस्थान विकसित हुआ, और उनके लिए मैं बार बार उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज 13,000 करोड़ महानरेगा के इनके जेब में चले गए, जनता के पास नहीं पहुंचा है, उनके जेब में चला गया है। ये तो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। अब मैं पता चला पूछना चाहती हूँ आपकी सड़कें क्या सड़कें हैं? फड़ के रख लो भाई, इनको तो बनाना ही नहीं चाहिए जिंदगी भर, इसको तो फड़ के रखना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो स्टेट का आदमी आता है ना उसको देख के कहेगा कि वाह ऐसा भी सड़क एक जमाने में हुआ करता था। मैं बताऊँ आपको, जालौर के अंदर जब मैं आई तो अहमदाबाद से लगा हुआ क्षेत्र था, वहां जालौर के 2 लोगों ने गांव में जब आई थी, वहां के लोगों ने मेरे को रोक के कहा कि मैडम हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रोजगार नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप एक काम कर दीजिए, यहाँ से ये 2 किलोमीटर का रोड हमारा गुजरात के बॉर्डर से बना दीजिए। मेरे को समझ में आ गई क्या बात है,
क्या थी कि हम तो उनके यहाँ जाते हैं, हमारे सब रिश्तेदार वहां हैं, तो हम तो वहां जाते तो उनको तो टनाटन देखा है, सब चीज है उनके पास। अब वो बॉर्डर में से निकल के आते हैं तो सीधे जाते हैं राजस्थान के गड्ढे में, तो हमारी नाक कट जाती है। उन्होंने कहा हमें कुछ मत देना, बस इतना ही कर देना ताकि जब हमारे रिश्तेदार वहां से यहाँ आ जाते हैं तो हमारी नाक नहीं कटेगी। ये हमारे राजस्थान की स्थिति बना के रखती है, ये हमारे राजस्थान की स्थिति बना के रखती है। और माता बहने आज महंगाई कहां तक पहुंच गया, मैं आप लोगों के देख रही थी क्या जोरदार महंगाई है। मेरे टाइम में गैस का सिलेंडर आपको 260 रुपए में मिलता था, जितना चाहिए मिलता था। आज 900 अगर आप दिख लेते हो तो 750 तो वैसे ही दाम है, परंतु बाजार में जाओगे तो 1200 से नीचे तो माना नहीं है। तो इसलिए अगर 9 के ऊपर आप लोग जाने वाले हो तो 9 के ऊपर तो फिर यही समझ लो कि 1200 रुपए प्रति सिलेंडर आप लोगों को देना पड़ेगा। ये तो महंगाई वहां हो गई। डीजल का हमारे यहाँ 22 रुपए था, आज 55 रुपए है, और हर महीने 50 पैसे धीरे धीरे कांग्रेस बढ़ा रही है। ये सोचती है कि आपके दिमाग में किसी के नहीं आ रहा है, और जब आप 50 पैसे हम बढ़ाएंगे तो आपके ध्यान में भी नहीं आएगा कि 50 पैसे बढ़ गए। पेट्रोल क्या था 33 रुपए हमारे समय में, अब है 74 रुपए। और मेरा कहना है कि जब तक 100 रुपए तक नहीं पहुंचे तब तक तो आप उसको चला लो, चिंता ही नहीं है किसी को। अभी तो खाली 74 रुपए है, चलो बढ़ते जाए बढ़ते जाए, मजा आएगा। और चीनी 17 रुपए किलो तो मेरे टाइम में था, आज 45 रुपए किलो है। परंतु यहाँ तो सब माल वाले लोग हैं, कोई चिंता ही नहीं है, 45 रुपए किलो के हिसाब से ले लेना कोई नहीं। मैं भीलवाड़ा से जब निकल रही थी तो मेरे एक व्यक्ति को मैंने रास्ते पे जाते देखा, एक छोटा सा वो लेके चल रहा था, जिसके अंदर खाना लेके चलते हुए एक डिब्बे वाला होता है ना, तो वो लेके चल रहा था। मैंने सब लोग बस में हम लोग रोक के चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई एक दफा इससे पूछा जाए किसके डब्बे में है क्या। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने कहा रहेगा ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बुरा मान जाएगा। मैंने कहा बुरा नहीं मानेगा, अपने को ये तो मालूम पड़ेगा कि ये लोग खाते क्या है, दोपहर को क्या खाते हैं। गरीब है, लेबरर है, मनरेगा में काम करने जा रहा है, तो इससे पूछा जाए। तो हमने पढ़ा के उससे कहा कि भैया आओ तो सही, बताओ तो सही तुम्हें तुम्हारे इस डिब्बे में है क्या। तो उसने कहा मेरा तो दोपहर का भोजन, दिन का भोजन, दोपहर का दिन का भोजन है, क्या लेते हो। उसने कहा भाई साहब इसमें तो 2 रोटियां तो है ही है मेरी, और एक हरी सब एक वो मिर्ची, हरी मिर्ची। तो मैंने कहा बस इतनी मेहनत करते हो तो 2 रोटी और एक हरी मिर्ची से काम चल जाएगा, अचार वचार नहीं रखा। मैंने कहा हमारे कहा नसीब में अचार है, हम कहाँ से अचार करें। मैंने कहा ठीक है ये अचार नहीं तो हरी धनिया की चटनी पीस के रख लेते थोड़ा सा। मैंने कहा आपको मालूम नहीं है कि हरा धनिया तो आजकल बाजार के अंदर 150 रुपए किलो का हिसाब है, मैं कहाँ से ला पाऊंगा। हमें तो नहीं कहना 200 की रोटी और एक मिर्ची से अपना काम निकाल लेंगे। सोचो राजस्थान की क्या स्थिति हो रही। और देश के अंदर हमारा प्लानिंग कमीशन बोलता है कि 60 साल के बाद ये नहीं कहता कि हमारा देश विकास विकसित होकर आगे बढ़ गया, ये कहता है कि 70% लोग बीपीएल के अब नीचे आ गए, ये शर्म की बात है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं जो बीपीएल के होने चाहिए वो तो बीपीएल में नहीं है, और जो जो वादे में नहीं होने चाहिए वो तो बीपीएल में। ऐसे नहीं छोड़ने वाले कि मैं तो समझती हूँ कि समय आ गया है, इस तरीके से नहीं होगा। और आपको मैं और एक बता दूं, ये नया राजस्थान हम बनाने के लिए चले हैं, हमने सबको कह दिया है कि अब समय आ गया कि नया राजस्थान हम लोगों को बनाना है, क्योंकि इस राजस्थान को इन्हें बिल्कुल भट्टा बिठा कर रख दिया है। हमें चाहिए एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारी महिलाओं की इज्जत को हम बरकरार रखें, हमारी महिला अपना सिर ऊंचा करके स्वाभिमान के साथ सड़क पे चले, आज नहीं चल सकते। हम चाहिए ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चों को पलायन नहीं करना पड़े, वो उनको रोजगार मिले तो राजस्थान के अंदर मिले। हमारे समय के अंदर 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां दी थी, आज इनको सबको अटका के रखने की कोशिश इन लोगों ने की है। कभी टेट का नाम लेते हैं तो कभी कुछ और का नाम लेते हैं, कोर्ट में उसको फंसा के रख दिया है। मैं सबको कहा है कि टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे, और साथ में आप लोगों को आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से पहले हमने नौकरी दिलवाने का काम किया था उसी तरीके से वादे पूरे नहीं करते। मैं तो कहती हूँ कि अपने को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर अपन नहीं कर रहे तो अपने को कह देना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। परंतु लोगों को लुभाने की कोशिश करना,
कभी ना कभी तो जनता को सब चीज समझ में आ ही जाती है। एक है अंग्रेजी के अंदर से, वो कहते हैं कि हम कुछ लोगों को कुछ दिन तक तो बुद्धू बना सकते हैं, परंतु सब लोगों को पूरे वक्त बुद्धू नहीं बना सकते। ये सब चीज को लोगों को समझ लेना चाहिए। अब 50 साल बुद्धू बनाते बनाते यहाँ तक आ गए हैं, पर मैं सब लोगों को आज ये कहने आई हूँ कि भाइयों, जब तक आप लोग एक दूसरे से झगड़ा करोगे, जब तक आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तब तक इनको तो मौज है। ये 55 साल इसीलिए चलाए कि मीणा को पूजा से लड़ाना, राजपूत को जात से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, ये लड़ा लड़ा के इन लोगों ने मौज मस्ती की है। मैं कह रही हूँ कि 36 के 36 को हमको साथ में चलना है, सब मजहब को साथ में लेके चलना है, एक प्यार के डोर में सब पूरे परिवार को बांधना है, और फिर देख लो मजा, कौन आपके विकास को रोक सकता है। और राजस्थान विकसित है तो आपका परिवार विकसित है, जाके देख लो गुजरात के अंदर, जाके देख लो मध्यप्रदेश, ये आपके सामने है। परंतु अगर पानी लगना है तो एक को थोड़ी पिलाएंगे, सब पानी पिएंगे। अगर यहाँ रोड बनना है तो खाली एक ही थोड़ी चलेगा, सब चलेंगे उसके ऊपर। इस चीज को ध्यान में रखो, और ये नया राजस्थान जो बनेगा वो प्यार पे बनेगा, झगड़े पे नहीं बनेगा, लड़ाई पे नहीं बनेगा, एक साथ एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर अपन नीचे चलेंगे, तब तो ये काम होगा। और मैं तो समझती हूँ कि मेरी सरकार अगर बननी है, आपकी सरकार अगर बननी है, तो वो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो आगे चल के 5 महीने के लिए नहीं, 5 महीने के लिए नहीं, जहां आप सौगातें बांट बांट के आप लोगों को डुबा डुबा के आपका वोट लें। लुगड़ी लोगे लो पैसे, चावल चाहिए पैसे ले जाओ, लैपटॉप चाहिए या तो अलवर की लड़कियों ने कह दिया नहीं चाहिए ले जाओ, तो झूठ बोलते हो और गलत चीज देते हो, कहते हो लैपटॉप देते हो कुछ और, हमें नहीं चाहिए ये, तो लड़कियों ने कह दिया तो ना 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 नहीं चाहिए इसके पैसे ले जाओ, और बच्चे भी हैं जो एक जोड़ दो जोड़ कपड़े भी ले जाओ, और तुम्हें घर में ले जाना है तो एक थाली दो कटोरी ये भी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, बस हमें वोट दे जाओ, यही है। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये नया राजस्थान बिना कांग्रेस के बनने वाला है, ये नया राजस्थान पूरे परिवार को लेके बनने वाला है, और ये नया राजस्थान एक ऐसा राजस्थान होगा जो बिल्कुल वहां हम भी किसी से कम नहीं है भाइयों। अब गुजरात वहां है, मध्य प्रदेश वहां है, तो राजस्थान के पीछे नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सबको मिलकर काम करना है। बोलो मजबूर है, मजबूर है तो मेरे साथ जोरदार राजस्थान का नारा दो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, सब लोग मिलके एक साथ एक परिवार के रूप में सब लोगों को चलेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों की राजस्थान एक नया और सुंदर राजस्थान बनेगा। आप लोग सबको बहुत सारा मेरा प्यार, बहुत सारा मेरा प्यार, और बहुत